हेलो दोस्तों, जैसे दिया है कि समेशन, यहाँ पे समेशन का बेसिक फार्मूला होता है एन डिवाइड बाई टू ब्रेकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे यस क्या है, समेशन का सिंबल दिया हुआ है, और जो ए है क्या है, फर्स्ट टर्म है, और इसमें जो डी है कॉमन डिफरेंस है, और जो एन है नंबर ऑफ टर्म है, और दूसरा फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस ब्रेकेट में एन माइनस इंटू डी। इसमें भी एन वही है, नंबर ऑफ टर्म है, डी डिफरेंस है, ए फर्स्ट पद है, फर्स्ट टर्म है, और डी जो है कॉमन डिफरेंस है, और टी एन क्या है, लास्ट टर्म है। अब दिया है जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के फार्मूला क्या होता है, बेसिक एन मल्टीप्लाई बाई दी एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। इसमें एन क्या है, जो पदों की संख्या है, जो नंबर ऑफ टर्म रहेंगे वो है। अब इसे क्वेश्चन दिया है कि 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। पहले हम ले जाएंगे बेसिक मेथड से। तो बेसिक मेथड क्या हमारा है, यस एन, यस एन मतलब 50 हो गया, टर्म दिया टोटल 50, 50 फार्मूला पुट कर देंगे, 50 डिवाइड बाय टू टू, और फर्स्ट टर्म्स करेगा वन है, प्लस एन कितना है 50 वर्क टाइम माइनस वन इंटू डिफरेंस कितना रहेगा, प्राकृतिक संख्या है मतलब एक का गैप है, तो डिफरेंस कितना है वन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय दी टू प्लस 49, 25 मल्टीप्लाई बाय दी ये हो जाएगा 51, 50 25 बन जा 25, करी टू और 25 5 जा 125, और 125 और 27, मतलब ये हमारा बेसिक फार्मूला से ये आंसर है। अगर हम लोग ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला है एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। यहाँ पे एन क्या है कि 50 दिया हुआ है टर्म, और फिर 50 प्लस वन डिवाइड बाई टू, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय दी 51, इसको भी करेंगे तो 1275 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिविजिबल हो, और प्रथम 10 संख्या बोला है, मतलब तो 2 4 ...20। क्योंकि इसके अंदर 2 का गैप है तो इसका इतना हो जाएगा। फिर हम लोग जानते हैं अब योगफल निकालना है, तो 2 प्लस 4 प्लस ...20। तो इसमें वही बेसिक फार्मूला लगाएंगे जो जो था, योगफल बराबर एन प्लस एन मल्टीप्लाई बाई दी ब्रैकेट में एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे है एन कितना है, सॉरी पर एक फार्मूला यूज करेंगे, पहले इसे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस ...10। तो फार्मूला यूज करते हैं, ये 2 बाहर हो गया पहले से, और एन कितना है, टोटल संख्या कितनी है 10 हो गई, 10 मल्टीप्लाई बाय दी 11 डिवाइड बाय दी 2। यहाँ फार्मूला से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 110, ये हमारा आंसर है। और सम के केस में एक और फार्मूला हमारा डिराइव होता है, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। फार्मूला क्या है कि प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल बराबर एन मल्टीप्लाई बाई दी ब्रेकेट में एन प्लस वन, ये हो जाएगा। क्योंकि सम संख्या रहेगा तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाद में हमारा यही बचता है एन और ब्रेकेट में एन प्लस वन। तो हम लोग उसको डायरेक्ट लिख लिए। जैसे अगला सवाल दिया है, पहले हम लोग क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर दिए, जैसे दिया है 1 से 80 तक सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल
बताओ या ज्ञात करो। तो इसमें क्या है, 1 से 80 तक बोल दिया है, 1, 2, ... 80 तक। इसके बीच में कितनी सम संख्या रहेंगी, 40, क्योंकि एक यहाँ पे है तो एक छोड़ कर रहेगा, मतलब टोटल 80 संख्या है, तो 2 से डिवाइड कर दो, बचा कितना, 40, मतलब 40 हमारी क्या रहेंगी, सम संख्या रहेंगी। या तो क्वेश्चन इसी को पूछ सकता है, प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो हमारा एन कितना हो गया, 40 हो गया। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं सम संख्या के, इसमें एन ब्रैकेट में एन प्लस वन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 41, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1640, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से आंसर। अब हम लोग देखेंगे विषम विषम संख्या के केस में, हेलो, विषम विषम संख्या के केस में देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो विषम संख्या क्या आ जाएगी, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। तो हम लोग प्रथम दिया है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट पहले फार्मूला ले लेते हैं, विषम संख्या के केस में कौन सा फार्मूला यूज होगा। हाँ, तो हमारा फार्मूला है प्रथम यान विषम संख्याओं का योग बराबर कुल कितनी, मतलब संख्या रहेगी उसका स्क्वायर, कितनी विषम संख्या रहेगी उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर कितनी विषम संख्याएं हैं, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका योगफल हो जाएगा 100। जैसे दिया है कि 1 से 45 तक की सभी सभी विषम संख्याओं का योगफल याद कीजिए। तो 1 से 45 के बीच में हम पहले देखेंगे कितनी विषम संख्याएं थी। विषम संख्याएं 1, 3, 5, ...... 45 हैं। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, टोटल निकालेंगे कितना पद है इसमें, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन कितना है, 45 दिया हुआ है, ए वन है, एन के हम लोग पता करना है, माइनस वन डिफरेंस कितने का है, 2 का है, डी बराबर सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो ए हो जाएगा 2 का डिफरेंस, सब में सेम रहेगा। 45 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2। तो 45 इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, इस साइड आएगा तो प्लस वन हो जाएगा, और बराबर 2n, n की वैल्यू निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, टोटल संख्या कितनी हो गई, पर कितनी है, 23। अब विषम संख्या निकालने का, विषम संख्या का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है एन का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाई बाई 23, ये हो जाएगा हमारा 529। जिसे अगला क्वेश्चन दिया है कि 15 के प्रथम 8 गुणज का योगफल ज्ञात करो। तो 15 के प्रथम 8, मतलब 15 पढ़ा पढ़ लेंगे 8 बार, 15 15 30 45 60 75 100 115 सॉरी 15 7 105, 15 8 120। इसमें हम लोग कर सकते हैं 15 कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा 1, 2, 3, 4, ...... 8 तक, इसका योगफल निकालना है। तो 15 तो बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय दी संख्या कितनी है, 8 है, 8 प्लस ब्रैकेट में एन प्लस 1 तो 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 15 मल्टीप्लाई बाय दी 4 मल्टीप्लाई बाय दी 9, 15 चौके 60,
मल्टीप्लाई बाय द 9, 9 6 54, मतलब कितना हो जाएगा 540, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर इस फार्मूला को पूछा जाए तो इसका ट्रिक क्या है, फार्मूला इसका डेवलप हो जाएगा के प्रथम यन गुणज का योगफल। इसका यन गुणजफल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा के यन ब्रैकेट में यन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे के क्या है, जो कॉमन मल्टीप्लीकेशन रहेगा, यहाँ पे के डिनोट कर रहे हैं। तो क्या के क्या है, कॉमन मल्टीप्लीकेशन। कॉमन गुणज है। अब इस फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दें तो 15 मल्टीप्लाई बाय दी, कितनी संख्या है 8 है, डिवाइड बाय 2। जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 540। हेलो दोस्तों, हम लोग अब टाइप नंबर 2 में देखने वाले हैं कि वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न। जैसे दिया है पहला, प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल का फार्मूला है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस .. n का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला होता है, n डिवाइड बाई 6 ब्रेकेट में n प्लस 1 दूसरे ब्रेकेट में 2n प्लस 1, ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन है। अगर वही सम संख्या रहेगा तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा 4n/6 मल्टीप्लाई बाय द ब्रेकेट में n1n+1 दूसरे ब्रेकेट में 2n+1। अगर विषम संख्या दिया हुआ है तो उसके वर्गों का योगफल निकालने का फार्मूला n/3 4n²-1, ये हमारा फार्मूला है। अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं इस फार्मूले पे। जैसे दिया है कि पहला, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस .. +20 का स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। अब ये देखने वाले प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल का पूछा है, तो हम लोग लगा देंगे डायरेक्ट फार्मूला योगफल निकालने के लिए। तो n कितना है, पद कितने टोटल 20 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लीकेशन ब्रेकेट में n कितना है 20 और 21 मल्टीप्लाई बाय दी 2n, मतलब 2 है और मल्टीप्लाई करेंगे 20 से +1। 20 डिवाइड बाय 6 ब्रैकेट में 21 मल्टीप्लाई बाय दी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना जाएगा 40 और 41। अब हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे कुछ टर्म, 20 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय दी ए डिवाइड बाय दी 6 सॉरी 6 है 3 दुनी 6 3 सत 21 2 एकम 2 2 दहा में 20, और 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना जाएगा 7 एकम 7 7 6 28, 10 आ गया। मतलब हमारा कितना योगफल आ रहा है 2870, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब जैसे दूसरा दिया है कि प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है, तो हमें फार्मूला पता ही है, 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है योगफल निकालने के लिए। प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल में जो फार्मूला था उसके आगे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 डिवाइड बाई 6 n1 सॉरी n n12 कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय द ब्रेकेट में n1 + n + 10, मतलब कि n कितना है n+1, n कितना है 10 दिया हुआ है, एक ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय द 2n+1, 2n मतलब 20 + 1 = 21। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4y6 × 10 × 11 और 21, 2 3 से काटेंगे तो 2 2 3 दूनी 6
तीन सत्ते 21, फिर 2 से इसको काट दिए तो 2 टाइम चला गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दुनी 14, 10, फिर ये जाएगा 11, 14 एकम 14, 14 एकम 14 1 15 और 1 0, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है, तो हमें फार्मूला पता ही है। फार्मूला क्या था? फार्मूला हमारा था यन योगफल निकालने के लिए, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने का फार्मूला, यन डिवाइड बाई 3 ब्रेकेट में 4n² - 1। यन की वैल्यू दिया है 15 डिवाइड बाई 3, 4n² मतलब 20, 15 का स्क्वायर 225 - 1। इसको काट दें पहले तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 4 2 8 2 10, हाथ में लगा 1, 4 2 8 1 9 - 1। अब इसको मल्टीप्लाई इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा ऐसा कि 5 मल्टीप्लाई कर दे तो 9 5 45, 2 0 - 5, घटा देंगे तो जाएगा 4 4 9 5, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका आंसर। अब इसके आगे टाइप नंबर 3, जैसे कि अब घनों पर आधारित प्रश्न दे दिया आगे, घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न। तो देखो पहला पहला दिया है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला होता है यन, जो हमारा बेसिक फार्मूला था, यन मल्टीप्लाई बाय दी एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। बस यहाँ पे घनों पर आया तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे। बस यहाँ पे ये याद रखना है, पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रथम यन सम संख्याओं के घनों का योगफल, तो यही जो बेसिक फार्मूला था इसको हम लोग स्क्वायर किए थे प्राकृतिक संख्या में, और सम संख्या के बाद आया तो आगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा दूसरा फार्मूला बन गया सम संख्याओं के लिए, और विषम के लिए हमारा होता है यन स्क्वायर ब्रैकेट में 2n² - 1। यन क्या है? जो पद रहेंगे वो वहाँ की बात रहेगी, जैसे यन जो टर्म दिया रहेगा मतलब कितना टोटल टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे पहला दिया क्वेश्चन, 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताना है, प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल। तो हमें डायरेक्ट फार्मूला है योगफल निकालने का पता है कि क्या था, n गुड़े ब्रैकेट में n+1, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, इसे कैंसिल कर देते, ये 5 हो गया, ये 11 इसका स्क्वायर। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 5 55 का स्क्वायर। अब 55 मल्टीप्लाई बाय 55, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 5 6 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं के घनों का योगफल, विषम दिया है, अबे ये सम दिया था, निचला विषम दिया है, तो विषम संख्या का घनों का योगफल का फार्मूला होता है यन स्क्वायर फिर ब्रेकेट में 2n² - 1। तो यन की वैल्यू कितना दिया है, 10 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 2 मतलब 200 - 1, 100 मल्टीप्लाई बाय 199, इसको 2 0 बढ़ जाएगा तो 1990, ये हमारा आ जाएगा जो आंसर। ओके, जैसे अगला टाइप दिया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस
प्लस 10 का स्क्वायर की वैल्यू दिया है 385, और हमसे पूछा है कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब पहले देख लेते हैं बेसिक तरीका से क्या होता है, बेसिक फार्मूला। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसमें से 3 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर ले लिया, इसकी वैल्यू दिया है 385, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय दी 385। जो कैलकुलेशन करने जो आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। इसकी हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या है। ट्रिक हमारी ये है कि जो दिया गया नीचे जैसे वैल्यू है, गुना है, कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। गुना का स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लेंगे, क्यू दिया है तो क्यू लेंगे, तो स्क्वायर दिया है ऊपर नीचे दोनों तो स्क्वायर ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय दी और वैल्यू, वैल्यू कौन सी, जो ये वैल्यू दी रहेगी ए है। तो गुना का स्क्वायर मतलब ए हो गया, सॉरी गुना का स्क्वायर मतलब ए, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर मतलब फिर ए, ए पूरा ले लेंगे, इसका मतलब ए, ए प्रेजेंट करें यहाँ से। तो गुना का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ से उठा लिए, मल्टीप्लाई वैल्यू कितना दिया है 385, 385 इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 385, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3,465 रुपये, नहीं सॉरी ये इतना हो जाएगा खत्म यहाँ पे। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया है, इसको भी सेम हम लोग ट्रिक से करेंगे, तो ट्रिक से करेंगे तो क्या जाएगा, पावर सेम है तो 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई दी वैल्यू, तो 125 मल्टीप्लाई बाई दी 3025। अब कैलकुलेशन करेंगे जो आएगा हमारा वो आंसर रहेगा, तो 3781125 ये हमारा हो जाएगा